पिछले बार से ही मिलना चाहता सर आपसे, लेकिन मैंने बोला वैसे ही मिलने में तो मज़ा नहीं आएगा, तो मैं सिलेक्शन के बाद मिलूंगा। कंपटीशन के बीच में रहो तो और ज़्यादा पढ़ने की इच्छा होती है। अब गांव में मैं रहता था तो ऐसा लगता है 6 घंटे पढ़े तो बहुत पढ़ लिए, जब यहाँ आकर देखते हैं कि 6-6 घंटे में तो कुछ नहीं होता। अब यदि आपके अंदर जुनून रहता है तो सर आप तो ऐसा कि एक वीडियो ही देख लिए आपके तो मोटिवेशन वाले, तो उसके बाद तो मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं रहती। जो ऐसा लगता है कि कंपटीशन बहुत है ऐसा, लेकिन जब पेपर दो यदि आप प्रॉपर वे में तैयारी कर रहे हैं तो सर ऐसा नहीं है कि कंपटीशन बहुत है। एक बार किसी मुकाम पे पहुंच गए तो फिर उससे आगे ही बढ़ना है, फिर जंप नहीं मार पाओगे। सफलता का भी मज़ा लेना है लेकिन और ज़्यादा सफल होने के लिए भी प्रयास करना है। अब आगे क्या सोचा है, आगे इसी जॉब कंटिन्यू करोगे या फिर और अभी तैयारी करोगे? यही सर, ये एक मेरा यही क्वेश्चन था कि अब मेरे को क्या करना चाहिए। क्या नाम है आपका? सूरज उनेले। सूरज उनेले, हाँ। कहाँ के रहने वाले हो? मैं छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा के, हाँ। बाकी इंदौर में ही अभी रह रहे हो? हाँ अभी इंदौर भी रह रहा। अच्छा, और अभी दिल्ली पुलिस में फाइनल सिलेक्शन हुआ? हाँ है सर। चलो बढ़िया, बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो। हाँ सर। और क्या बोलते सर, उसमें जैसा मेरा MP पुलिस में मैं बाहर हो गया था, तो फिर उसके बाद मैंने और एग्ज़ाम दिया, उसमें भी कई बार पॉइंट से बाहर हुआ मैं, GD में पिछले बार भी। अच्छा, तो फिर सोचा कि सर इंदौर में ही आकर तैयारी करनी चाहिए और प्रॉपर गाइड से। फिर मैंने आपके वीडियो भी बहुत, मैं तो ऐसा जुड़ा ही था, बहुत पहले से जुड़ा हूँ, पिछले बार MP पुलिस से जुड़ा था। सिलेक्शन के बाद कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ मैं तो पिछले बार से ही मिलना चाहता सर आपसे, लेकिन मैंने बोला वैसे ही मिलने में तो मज़ा नहीं आएगा, तो मैं सिलेक्शन के बाद मिलूंगा। चलो बहुत अच्छे। तो यहाँ पे फिर क्या सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी ये ज्वाइन कर ली थी? हाँ मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया था और ऑनलाइन पढ़। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे केवल इस हिसाब से आ गए इंदौर की, थोड़ा माहौल मिल जाएगा, पढ़ाई हाँ, हो जाएगी। हाँ। और सर कैसा कि कंपटीशन के बीच में रहो तो वो ऐसा रहता है कि थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ने की इच्छा होती है। अब गांव में मैं रहता था उसके, तो गांव में उतना ज़्यादा नहीं, मैं मतलब ऐसा रहता है कि यदि घर पे हैं तो ऐसा लगता है कि 6 घंटे पढ़े तो बहुत पढ़ लिए, जब यहाँ आकर देखते हैं कि 6-6 घंटे में तो कुछ नहीं होता। और बाकी सर मोटिवेशन तो आपके जो वीडियो आते थे बाकी सब और बोलते हैं कि मोटिवेशन वीडियो देखना चाहिए, लेकिन ऐसा सर मैं कुछ नहीं लगा, क्योंकि अब यदि आपके अंदर जुनून रहता है तो सर आप तो ऐसा कि एक वीडियो ही देख लिए आपके तो मोटिवेशन वाले, तो उसमें ही ऐसा है कि क्या ही और देखना, फिर उसके बाद तो मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं रहती। और सर वो खुशी जो रहती है सिलेक्शन के बाद घर में बताने की और आपसे मिलने की, ऐसा सर वो जुनून रहता है कि बस कुछ करना है। बहुत बढ़िया। और पापा क्या करते हैं? मतलब किसान ही हाँ। है। छिंदवाड़ा में कहाँ पे, या छिंदवाड़ा से भी दूर कहीं पे रहते हैं? छिंदवाड़ा से थोड़ा सा सर 18 किलोमीटर दूर भवना खैरी। अच्छा, गांव है? हाँ गांव है। अच्छा, वहाँ रहता सर। मतलब किसान परिवार से हाँ, ही? किसान परिवार से, उतनी ज़्यादा भी सक्षम नहीं है सर, और वहाँ की कोरोना के तो समय यहाँ का फिर मैनेज हो जाता था रहना खाना? हाँ सर हो जाता था। कितने में कितना मिलता था महीने का घर से? घर से तो ऐसा कि फिर वही 5-6 हज़ार, और दोस्त लोग भी साथ में रहते हैं। अच्छा, मिल के रहते हैं। हाँ। और गांव में कैसा क्या माहौल रहा सिलेक्शन के बाद? सिलेक्शन के बाद सर वो तो अब पता चल जाता है, तो सब पूछते हैं कि कब है ज्वाइनिंग, कैसा क्या है, और कुछ लोग रहते हैं कि जो पूछते हैं कि हमको कैसा करना चाहिए। और वो भी होगा ना कि बहुत कम लोग ही सिलेक्ट हुए होंगे या सरकारी हाँ नौकरी में होंगे जो गांव में? हाँ गांव में सर, दिल्ली पुलिस में तो सर मेरे ही पहला है अकेले ये। ही हो? हाँ कि और कुछ होंगे भी तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हाँ सरकारी नौकरी ली होगी या पुलिस में गए होंगे, हाँ है ऐसा। ना? और क्या बोलते सर, जो ऐसा लगता है कि कंपटीशन बहुत है ऐसा, लेकिन जब पेपर दो यदि आप प्रॉपर वे में तैयारी कर रहे हैं तो सर ऐसा नहीं है कि कंपटीशन बहुत है। मेहनत है हाँ तो फिर कंपटीशन नहीं है। अब आगे क्या सोचा है, आगे इसी जॉब कंटिन्यू करोगे या फिर और अभी तैयारी करोगे? यही सर, ये एक
मेरा यही क्वेश्चन था कि अब मेरे को क्या करना चाहिए। अभी एज क्या है तुम्हारी? मेरे साथ 23 होने वाली है अप्रैल में। मेरा तो देखो हमेशा सजेशन ये रहता है कि अगर उम्र है और अभी अच्छी एक पढ़ाई का लेवल है तो ट्राई करना चाहिए। जैसे SSC का CPO निकलने वाला है अभी, है ना, मध्य प्रदेश में जब भी SI की वैकेंसी आए या कहीं भी ऐसा इंस्पेक्टर या ऑफिसर पोस्ट पे जाने का भी मौका है तो कोशिश कर लेनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, और एक दो साल थोड़ी और पढ़ाई जारी रखनी पड़ेगी, लेकिन किसी अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाएं तो उसके आगे की लाइफ और ज़्यादा बेहतर होगी। तो मेरे ख्याल से अभी कोशिश और करनी चाहिए कि किसी और अच्छी पोस्ट पे जाएं। तो सर मैं क्या यही वे रखूं, SSC वाला या? हाँ SSC का ही करो, कोई दिक्कत नहीं है, SSC का करो भले। CGL बिल्कुल टारगेट रखो, CPO टारगेट रखो, है ना। तो जहाँ भी CPO है तो बढ़िया सब इंस्पेक्टर की जॉब मिलनी है, CGL है तो उसमें तो सभी अच्छी पोस्ट होती है, तो पढ़ना वही है मैथ्स रीजनिंग GS इंग्लिश, है ना, और वो अच्छा करा हुआ है ही ऑलरेडी। हाँ तो एक दो बार तो मतलब ट्राई करना चाहिए उसमें, और ट्राई क्या मतलब ये जुनून से ही पढ़ो कि यार अब वो एग्ज़ाम भी निकालना है। सर वो तो ऐसा एक बार अभी ज्वाइनिंग में भी टाइम है ना, ज्वाइनिंग कब एक जुलाई की, जुलाई की है। हाँ तो अभी उसके पहले CGL लायक पढ़ाई कर लो सर। इसलिए सर मेरे को अभी क्या बोलते हैं, सब रिश्तेदार में और जैसा पता चलता है तो सब बोलते हैं कि अब 4 महीने 6 महीने जितना भी टाइम मिला है सब घूम ले, अब घूमने के नहीं मिला सर। मैं इसलिए नहीं गया कि पूरी जिंदगी है यार। हाँ सर जिंदगी थोड़ी ख़त्म हो रही है। हाँ। जिंदगी तो शुरू हो रही है। हाँ मैंने सबको यही बोला कि देखो मेरे पास 4-6 महीने है अभी अच्छे से, मतलब पढ़ने का पूरा मेरे पास समय है तो मैं इसमें पढ़ लेता हूँ, बाकी बाद में तो जो है जैसा चल रहा है चलते ही रहेगा। वो तो चलना ही है। देखो क्या है दुनिया के हिसाब से ये है ना कि एक जॉब मिल गई यार बस बढ़िया काम हो गया। हाँ। जॉब मिलती कहाँ है आजकल, मिल गई है तो बढ़िया है, अब इसको एंजॉय करो। हाँ। तो मेन चीज क्या है कि लोगों के हिसाब से तो हमने ऐसा काम कर दिया कि ठीक है अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ। मेन ये देखना है कि हम अपने आप से क्या चाहते हैं। हम चाहते कि नहीं यार ये एग्जाम हमने निकाला है और मैं इससे भी और अच्छा कर सकता हूँ, तो फिर वो ट्राई करना चाहिए। घूमना फिरना इसके लिए तो फिर है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। जॉब करते करते ही बहुत चांसेस आएंगे और उसके बाद फिर घूमना फिर नहीं है। लेकिन अगर अभी मौका है कि हाँ ऐसी जॉब पे चले जाएं जहाँ 60-70 हज़ार सैलरी हो तो क्या बेकार है, उसके बाद घूमने में मज़ा और ज़्यादा आएगा। अब मैं खुद तो देखो बहुत कम लोग तुमको सलाह देंगे कि और आगे का सोचो। हाँ। और कुछ अच्छा करो। हाँ। क्योंकि मैंने कहा ना लोगों के लिए तो हमने इतना कर दिया कि वो इसमें ही खुश हैं। हाँ। है ना, क्योंकि वो तो ये उम्मीद लगाते थे कि कुछ हो ही नहीं पाएगा और अगर हो जाए तो वो तो इतने भी खुश हो गए, अरे हो तो गया और क्या है। तो इसलिए क्या है हम क्या चाहते हैं वो इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, लोग क्या चाहते हैं क्या कहते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, हम किस मुकाम पे जाना चाहते हैं, कितनी अच्छी पोस्ट चाहते हैं, कितना पैसा चाहते हैं, वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसलिए और अभी उम्र कम है, है ना, अभी तो मतलब बहुत कुछ करने की उम्र है। और ये मानो कि हमने तो और कम उम्र में वो काम कर दिया है कि जो लोग 25-30 के हो जाते तो नहीं कर पाते। तो हमारे पास तो अभी बहुत बड़ा समय बचा है, तो बड़ा टारगेट लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कुछ और बड़ा करते हैं, ऑफिसर या इंस्पेक्टर बने तो मज़ा है। और किया जा सकता है, इस सिलेक्शन से कॉन्फिडेंस लेके आओ कि कॉन्फिडेंस तो बढ़ ही जाता है। हाँ। कि यार इतने लोगों में सिलेक्ट हुए मतलब हमारे अंदर कुछ बात तो है। हाँ। तो चलो अब इसका यूज़ करते हैं कि और अच्छा करने का काम करते हैं और एक बड़ी पोस्ट लेते हैं। एक बार किसी मुकाम पे पहुंच गए तो फिर उससे आगे ही बढ़ना है, फिर जंप नहीं मार पाओगे कि सीधा 20,000 या 25,000 रुपये महीने से सीधा 60-70 हज़ार पर जंप नहीं मार पाओगे, धीरे धीरे ग्रोथ होगी। पर डायरेक्ट ही अगर 70-80 हज़ार पर पहुँच गए तो उसका मज़ा अलग है ना। तो अभी तो मेरे ख्याल से बड़ा टारगेट देखना चाहिए और उसके लिए काम करना चाहिए। सफलता का भी मजा लेना है। हाँ। लेकिन और ज्यादा सफल होने के लिए भी प्रयास करना है। आओ एक गिफ्ट देते हैं हमारी तरफ से। आ जाओ।